और बात कर लेते हैं केरल की, जहां पर आरएसएस का 3 दिवसीय मंथन जारी है। पलकड़ में संघ की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक से पहले दिन 4 सत्रों में चर्चा हुई। सबसे पहले वायनाड त्रासदी के दौरान स्वयंसेवकों के राहत कार्यों में शामिल होने की रिपोर्ट पेश की गई। बैठक में पश्चिम बंगाल को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। बंगाल के मौजूदा हालात और महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई। वहीं पंजाब पर भी बातचीत की गई और नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली हिंसा में आई कमी पर भी विमर्श किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। आरएसएस का 3 दिवसीय मंथन सोमवार तक चलेगा। बैठक में साल 2025 में संगठन के शताब्दी वर्ष पूरे होने को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। केरल में संघ का मंथन है और दक्षिण को कहीं ना कहीं साधने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बंगाल से लेकर बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की स्थिति फिलहाल है, हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, इसको लेकर भी संघ की बैठक में मंथन हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में शामिल है। सर कार्यवाहक समेत सर कार्यवाहक कई लोग इसमें शामिल है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होते पहले दिन की बैठक में। और आज बैठक का बेहद महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी क्योंकि आज बीजेपी की एक रिपोर्ट जो होती वार्षिक रिपोर्ट वो भी पेश होनी है और सोमवार यानी कि कल इस बैठक का आखिरी दिन होगा।